साइबर ठगों के दिन ब दिन बढ़ते हौसलों का एक नया मामला सामने आया है, जब इन्होंने खैरथल के जिला कलेक्टर को भी नहीं छोड़ा। इन ठगों ने कलेक्टर के फोटो का इस्तेमाल करके अन्य अधिकारी और उनके परिचित लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज किए। मामले की जानकारी मिलते ही पूरा अमला हरकत में आ गया। साइबर ठगों ने एक विदेशी फर्जी व्हाट्सएप नंबर पर खैरथल तिजारा के जिला कलेक्टर किशोर कुमार की फोटो लगाकर अधिकारी और उनके परिचित लोगों से साइबर फ्रॉड करने की कोशिश की है। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि साइबर ठगी के इस गंभीर मामले में उनके नाम से फर्जी आईडी बनाकर अधिकारियों व उनके परिचितों को मैसेज कर उनकी साथ ठगी करने की कोशिश की गई है। कलेक्टर ने बताया कि साइबर ठग उनके फोटो का इस्तेमाल करके उनके नाम से एक फर्जी विदेशी व्हाट्सएप नंबर के जरिए अकाउंट बनाकर इस साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक खैरथल मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी जेएसटी मैत्री को इस घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से जिला स्तर के अधिकारियों के ग्रुप और अन्य परिचितों को मैसेज कर साइबर ठगी से सावधान रहने की अपील की और इस नंबर से किसी को भी मैसेज मिलने पर रिप्लाई व पैसे नहीं डालने और सावधान रहने की भी अपील की है। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि कुछ अधिकारी और उनके कुछ परिचित लोगों को विभिन्न विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप चैटिंग पर कलेक्टर के नाम से मैसेज आ रहे थे। अधिकारियों और उनके परिचित लोगों को जिस नंबर से मैसेज किया गया है वह उज्बेकिस्तान का है, जिस पर उनकी फोटो भी लगी हुई है। इस पूरी घटना के बाद जिला साइबर टीम आईपीसी एड्रेस और अन्य तकनीकी माध्यम से आरोपी को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों एवं आमजन से साइबर फ्रॉड से सावधान रहने की अपील की है। साथ ही इस संबंध में कलेक्टर किशोर कुमार ने पुलिस अधीक्षक खैरथल और भिवाड़ी को सूचना भी दे दी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह की और अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।